न्यूज एट टू की शुरुआत करेंगे। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती की फिसली है जुबान। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की तुलना रावण से कर दी है। रामसिया भारती बक्सवाहा में यहां पर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उनकी जुबान कैसे फिसली, यहां पर प्रद्युम्न सिंह लोधी को रावण तक कह दिया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, कौन से कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे और किस तरह की बयानबाजी हुई? ये बता दें कि बक्सवा में कांग्रेस कार्यालय प्रत्याशी का कार्यालय का उद्घाटन होना था, उसमें ये रामसिया भारती पहुंची थी क्योंकि उन्हीं का कार्यालय था। तो चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जब लोगों को संबोधित कर रही थी तब उन्होंने कहा है अपने रामायण की चौपाइयों को याद करते हुए बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से रावण का हमने 15 महीने के अंदर कांग्रेस के विधायक को कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बना के भोपाल भेजा था, लेकिन वो 1.5 साल के अंदर ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया। उसने एक रावण राज को प्रदेश में लाया है, इसलिए रावण का अंत करने ऐसे दुराचारी को अंत करने के लिए मैं मैदान में हूँ। बता रहे कि जो रामसिया भारती है वो संत प्रवृत्ति की है और कई जगह प्रवचन करती, छोटी सी उम्र से प्रवचन करती है। उमा भारती के समकक्ष से इनको बड़ा मलाया सीट से उतारा गया है और वो जहाँ भी जाती है रामायण की चौपाई सुनाते हुए कहीं रावण से तुलना करती है, कहीं कालनेमी से तुलना करती है, कहा भाजपा प्रत्याशी के संग इसी तरह से लोगों को 2 दिन से संबोधित कर रही है। जी हाँ, लेकिन ऐसे में आवश्यकता इस बात की हरीश की एक दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय जो मुद्दे हैं उस पर बात की जाए, जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए उन पर बात करते नहीं है, व्यक्तिगत यहाँ पर जो है हमला किया जाता है, इस पर सवाल खड़े होना फिर लाजमी हो जाता है। ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। बता दें कि बड़ा मेलहरा में जब 2004 में चुनाव हुए थे वहाँ भारतीय सीएम प्रोजेक्ट हुई थी मध्य और बड़ा मेलहरा चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने अपने भाषण में कई जगह पे बड़ा मेलहरा क्षेत्र को सबसे ज्यादा देश के सबसे ज्यादा पिछड़े क्षेत्र की तुलना बड़ा मेलहरा से की थी, लेकिन उस वहाँ पे बड़ा मेलहरा छतरपुर जिले में नहीं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है, लेकिन वहाँ पे जो मुद्दे है गरीबी है, शोषण है, सड़कें नहीं है, कर्जाई के साधन उपलब्ध है, इनके मुद्दों में बात करने की जगह प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर रैली कर रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ चुनाव में व्यक्तिगत एक दूसरे पे आरोप लगाने की जगह लोगों के मुद्दे दूर हो गए हैं। 2 दिन ही हुए हैं चुनाव प्रचार में, भाजपा पहले से ही प्रचार कर रही थी, प्रत्याशी 2 दिन पहले कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ वो भी अपने प्रचार में लग गया, लेकिन लोगों के मुद्दे जो होना चाहिए वो मुद्दे ना होके बरतरल एक दूसरे के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से ही अपने प्रत्याशी को लेकर कोई अभी बात सामने आई हो इस बयान के बाद? ये बता दें कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी है जो पहली बार कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी है, इससे पहले भी टीकमगढ़ जिले से जनपद का चुनाव लड़ी थी वो हार गई थी, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी थी वो हार गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस बार उमा भारती, क्योंकि उमा भारती बड़ा मेलहरा परंपरागत सीट है और भंगवाधारी उमा भारती वस्त्र पहनती है, भंगवाधारी रामसिया भारती हुई है, इसी उमा भारती का जो वोट बैंक है उसको प्रभावित करने के लिए रामसिया भारती को उन्हीं की समाज और उन्हीं की जात व्यवस्थी लोट जाति से उतार मैदान में उतारा है, जिससे लोग जो वोट 40,000 के लगभग बड़ा मेला सीट पे वोटर है उसको आधा प्रभावित किया जा सके, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी कांग्रेस का एकदम से रामायण से तुलना और राक्षसों से तुलना भाजपा प्रत्याशी से कर बिल्कुल कई दिनों से ये चल रहा है, कोई किसी को रावण बताता है, कोई किसी को शैतान बताता है, कोई संत बताता है। शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी देने के लिए।